आज का प्रेरणा पाते 84 लाख जीवा योनी, ये उत्पत्ति स्थान है कि जहां जहां पर हमारे जीव कर्मों के अधीन जन्म लेते हैं वह उत्पत्ति स्थान कुल 84 लाख स्थान है, और वहां पर वो भ्रमण करते रहते हैं 84 लाख जीवा योनि और 4 गति के अंदर, जब तक कि कर्म पूरे शुद्ध नहीं हो जाते हैं, संपूर्ण निर्जरा नहीं हो जाती है, कार्मण शरीर पूरा जीरो नहीं हो जाता है, तब तक वो घूमते रहते हैं। तो ये 84 लाख जीवा योनि का पूरा विवरण है, 7 लाख प्रति का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधन वनस्पति का है, 2 लाख बेन्द्रिय, 2 लाख तेन्द्रिय, 2 लाख चतुरेन्द्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरेंच पंचेन्द्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि का ये विवरण है, और उसके अंदर जीव भटकता रहता है, अलग अलग गति में उसको अलग अलग लक्षण मिलते हैं, अलग अलग इंद्रियां मिलती है, वो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक होता है, और इसका पूरा डिटेल के अंदर विवरण है। तो हमें जो है वो 84 लाख जीवा योनि का विवरण ध्यान में रहना चाहिए, ताकि कि हम उन योनियों से बच सकें, कुल मिला करके ये 84 लाख जीवा योनि में न भटकना पड़े, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। क्योंकि इन सभी जीवा योनियों के अंदर व्यक्ति के सुख और दुख की अनुभूति होती है, पुण्य और पाप की अनुभूति होती है, और वह टेम्परेरी सुख है, और उस टेम्परेरी सुख के बाद के अंदर फिर टेम्परेरी दुख आ जाता है। तो हमें टेम्परेरी कार्य नहीं करना है, हमें तो परमानेंट काम करना है। परमानेंट कार्य करने के लिए मनुष्य जीवन बहुत अच्छा है। इस जीवन के अंदर अगर हम लक्ष्य बनाते हैं, अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेते हैं, अच्छी नींव लगा देते हैं, आने वाले कुछ भवों में मुक्त हो सकते हैं।